हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज SBI क्लर्क का जो एग्ज़ाम था वो कंडक्ट हुआ है एंड मैं उस एग्ज़ाम में इन्विजिलेट किया हूं, क्योंकि मैं SBI में एज अ ऑफिसर वर्क करता हूं। तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं उस एग्ज़ाम को एक बार फिर से इन्विजिलेट कर सकूँ। फिर से इसलिए क्योंकि मैंने लास्ट वीक भी किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और इस वीक भी मैंने इन्विजिलेट किया एग्ज़ाम को, एंड लास्ट वीक की तरह ही इस वीक भी मैंने कुछ गलतियाँ पकड़ी हैं एस्पिरेंट्स की, जो गलतियाँ मैं आप लोगों का आगे रखने वाला हूँ, ठीक है। हमारे बेलगाम में आज दो ही शिफ्ट थी, तो दो शिफ्ट को मैंने इन्विजिलेट किया है, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकेंड शिफ्ट को। एंड उसके बाद मैंने काफ़ी लगभग 15-16 लोगों से बात करी, उन्होंने कितने अटेम्प्ट करे, एग्ज़ाम कैसा रहा, ये सब। और मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पोल्स भी देखे हैं एग्ज़ाम के कंडक्टेड, तो लगभग 50,000 का पोल डेटा भी है। तो उस हिसाब से आज पूरा बता देता हूँ कि कैसे कैसे होने वाला है एंड क्या क्या, मतलब क्या हो सकता है कि जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह जा सकता है। पहले तो अपने एक्सपीरियंस मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया है कि मेरे को कैसा फील हुआ दोबारा से इन्विजिलेट करके, क्योंकि जहाँ हमने पढ़ाई करी थी, जो चीज़ हम सोचते थे कि यार ये चीज़ कभी हम भी कर पाएँ, वो चीज़ हमने करी है, बहुत अच्छा लगता है दिल से। तो वो दिल की बात मैंने पुरानी वीडियो में करी है। इस वीडियो में सीधे टेक्निकल बातों पे आते हैं, जो गलतियां एस्पिरेंट्स ने करी। देखो मैं गलतियों पे आता हूँ सीधा। मैंने चार पांच लोग पकड़े थे, ठीक है, चार पांच लोग, इन द सेंस कि एक बंदा जो मेरे को लग रहा था कि हाँ ये बहुत सही कर रहा है, फिर एक बंदा जो मेरे को लग रहा था कि यार ये थोड़ा वीक है, फिर एक बंदा जो थोड़ा मीडियम टाइप का था, ऐसे करके मैंने चार पांच बंदे पकड़े और उनका देखा मैंने कि कैसे कैसे कर रहे हैं एग्ज़ाम्स को। तो जो बंदा, एक बंदा था जो कि एग्ज़ाम में बहुत तेज़ था, वो तो हर चीज़ कर रहा था, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहा था, उसने शुरू से लेकर एंड तक हर चीज़ एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करी। परफेक्टली एग्जीक्यूट उसने करी इन द सेंस कि जो चीज़ें एग्ज़ाम में करनी होती है उसने उसी तरीके से एग्ज़ाम को अटैम्प्ट किया। अब जो बंदे वीक थे, उन्होंने कुछ मिस्टेक्स करी हैं, उनकी मिस्टेक्स मैंने नोट डाउन यहाँ पे करके रखी है, उन्होंने क्या मिस्टेक्स करी हैं। रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, तीनों के लिए मैंने अलग अलग बंदों को एनालाइज किया। तो पहले रीजनिंग की बात करते हैं, ठीक है। रीजनिंग में जो बंदा थोड़ा वीक था उसकी गलतियाँ मैंने देखी, जो एक बहुत ही बेसिक मिस्टेक्स होती है ना, अपनी बेसिक मिस्टेक्स के चक्कर में ही एस्पिरेंट्स बाहर होते हैं एग्जाम से, ये मैं समझ चुका हूँ, ठीक है। उसकी बेसिक मिस्टेक क्या थी, वो पज़ल पहले स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मतलब उसने पज़ल क्या, जो क्वेश्चन सबसे पहले उसकी स्क्रीन में आया ना, उसे सीधे उसको स्टार्ट करना शुरू किया। मैंने उसको जाके देखा और ऐसे ही और भी बंदों को जाके देखा, मतलब काफ़ी बंदों को देखा, जिस बंदे ने क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो आया उसको ही स्टार्ट करना शुरू कर दिया, ना आओ देखा ना ताओ, सीधे पज़ल देखी, ओके स्टार्ट करना शुरू कर दिया। तो उसका वहाँ टाइम वेस्ट हुआ। जब मैंने उसको देखा आखिरी 15 मिनट में आके, अब 15 मिनट बाद मैंने उसे आगे देखा, 5 मिनट बचे हुए थे, उसके 20 क्वेश्चन भी नहीं हो रखे थे। तो उसने क्या कर मिस्टेक करी, क्लर्क के क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन भी ना हो पाना है बड़ी बात है। क्लर्क के एग्ज़ाम में कम से कम रीजनिंग में आपके 28-29 क्वेश्चंस तो होने ही चाहिए, 27 तो होने ही चाहिए, डिपेंडिंग आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी जाती है। यूजुअली कर्नाटका की कट ऑफ कम जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये इजी एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम टफ भी नहीं था, तो एग्ज़ाम के कट ऑफ हाई जाने के चांस भी हैं। तो जो बंदा पज़ल पहले कर रहा था वो रीजनिंग में काफ़ी पीछे रह गया। तो यही मिस्टेक जो है, एक बहुत बेसिक सी मिस्टेक होती है जो कि हमेशा हर कोई आपको बताता होगा, एक बहुत कॉमन बात है। देखो एग्ज़ाम में कुछ भी ऐसी अलग सी बात नहीं थी, एक कॉमन एग्ज़ाम आया था, बहुत इजी एग्ज़ाम आया था, तो एक कॉमन सी ही मिस्टेक है जो उसमें लोग कर रहे थे। तो रीजनिंग की ये मिस्टेक मैंने लोगों की पकड़ी, रीजनिंग में लोग पज़ल्स पहले कर रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक थी। उसके बाद आप क्वांट की बात करें, क्वांट में जो मैंने पर्सन्स को नोटिस किया, मतलब सबके सब क्या करते हैं, कुछ लोग तो अर्थमेटिक ही करने लग गए थे, तो वो तो वही हो गया, जो मतलब एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन खुला वही करने लग गए, तो वो तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, सबसे बड़ी, वो तो फिर कैसे ही होगा। उसके अलावा कुछ बंदे और भी थे जो कि फॉलो कर रहे थे कि पहले नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब, लेकिन उसमें भी वो क्या मिस्टेक करते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो वो फॉलो कर रहे थे, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कैसी होती है कि कैलकुलेटिव होती है, जिसमें आगे भी क्या बोलते हैं, आगे भी एक वो लगा होता है वेरिएबल, जैसे 2, 3, 4 आगे भी रहता है उसके, तो वो उस चीज़ को भी सॉल्व कर रहे थे एंड टाइम उसमें वेस्ट कर रहे थे। देखो आपको अपने आप को खुद जज करना है, आप कैसे बंदे हो, आपकी क्या बोलते हैं क्वांट बहुत अच्छी है क्या, या आपकी क्वांट वीक है, या आपकी एवरेज है, आपको उस हिसाब से क्वेश्चंस को टाइम देना है। उस पर्सन को मैं देख रहा था, वो मतलब लगभग 1 मिनट से ऊपर उसने ले लिया और उस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सोच ही रहा है कि इसको कैसे करना है, आगे भी नहीं बढ़ रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, यहाँ पे उसने मिस्टेक करी। जैसे ही आपको लगे कि ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, एक रीड में उस क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर दो और तुरंत अगले क्वेश्चन पे पढ़ जाओ, एंड ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड एक क्वेश्चन को दो, उससे ऊपर देने की जरूरत नहीं है। एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, ये सारे क्वेश्चन तो आपको एक रीड में समझ में आने चाहिए, नहीं आ रहे तो आगे बढ़ो। एंड ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस के सिंप्लीफिकेशन भी लोग करते जो अंडर रूट वाले थे, करने में इजी थे, लेकिन क्योंकि उनकी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, उनके हिसाब से वो मुश्किल थे, वो अपने हिसाब से मुश्किल क्वेश्चंस को पहले देख रहे थे, इवन दो उन्होंने टेक्निक आजमाई कि पहले सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चीज़ें करें, लेकिन उसमें भी वो चीज़ों को जज नहीं कर पाया। अब एक DI के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक मैडम थी, वो DI कर रही थी, तो उस DI में क्या बोलते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव पार्ट था कि प्लस करके फिर उसको क्या बोलते हैं परसेंटेज निकालना था। तो वो उस क्वाड में अटक रखी थी लगभग 35 सेकंड से 40 सेकंड्स तक मैं उनको देखता रहा,
वो उसको सोचती रही, तब जाकर उन्होंने करा एंड फाइनली उनका एक मिनट के बाद उस एक क्वेश्चन का आंसर निकला। तो यहाँ पे फिर से वही गड़बड़ हुई है। तो डीआई में आपको क्या करना है, डीआई में पहले इन क्वेश्चंस को आपको छोड़ना है। इन पांच डीआई के पांच क्वेश्चंस में से लगभग तीन या चार क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, या दो या तीन क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उन दो या तीन क्वेश्चंस को आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, उसके अलावा आगे बढ़ सकते हैं, बाकी क्वेश्चंस को आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो क्वांट में लोगों की ये गलती थी। अब इंग्लिश की गलतियों की अगर बात करें, इंग्लिश में मैंने बेसिकली एक ही गलती लोगों को करते हुए देखा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लास्ट टाइम था वोकैबुलरी का मिस्टेक इस बार भी हुआ है। लोगों की वोकैबुलरी के चक्कर में बहुत मिस्टेक हुई है। तो गाइस अपनी वोकैबुलरी को ठीक से रखो। अपनी वोकैबुलरी अगर आप बढ़िया रखोगे तो ही आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। अपनी वोकैबुलरी को अच्छा करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड होते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स सुनता हूँ कि वोकैबुलरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, विच इज़ अ लाई। अगर आप वोकैबुलरी नहीं पढ़ेंगे तो आपकी इंग्लिश में अच्छे मार्क्स नहीं आ पाएंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन आपके गलत होने लगेंगे। तो इंग्लिश के चक्कर में वोकैबुलरी की मिस्टेक तो लोगों से हो ही रही थी। दूसरी मिस्टेक जो लोग कर रहे थे, पहला शुरू में पैसेज खुला, पैसेज को ही पढ़ना शुरू कर दिया। जो बंदे, मैंने बताया जो बंदे क्या बोलते हैं, जो बंदे एकदम इंटेलिजेंट थे, मतलब जो बंदे एकदम को लग रहा था कि ये तो एग्जाम पक्का क्लियर करेंगे, उन्होंने हर चीज़ को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया है। लेकिन जिन बंदों को मेरे को लग रहा था कि यार इसका शायद ना हो पाए, उसकी यही कॉमन मिस्टेक्स थी जो ये नहीं कर पा रहे थे। कुछ बंदे तो ऐसे भी थे जो तुक्का मार के आ रहे थे कि एक को मैंने देखा कि 10 मिनट के अंदर उसने पूरी की पूरी 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए मैथ्स के, एंड कुछ पेपर में लिखा ही नहीं है। या तो उसका दिमाग इतना तेज था कि सब कुछ उसने दिमाग में ही कर लिया, या फिर उसने तुक्के मारे हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली उसने तुक्के ही मारे थे। तो तुक्के वाले का भी कभी होगा नहीं यार। अगर आप एग्ज़ाम ये अगर बहुत सारे बंदे मैं सोच जानता हूँ एग्ज़ाम केवल भर देते हैं ये सोच के कि देख लेते हैं कैसा आएगा। अगर आपको देखना ही है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा तो मॉक टेस्ट देख लो ना, मॉक टेस्ट वैसा ही आता है। केवल एग्ज़ाम को देखने के लिए ही कैसा आएगा, विदाउट तैयारी मत जाओ एग्जाम देने, के फालतू मनी वेस्ट होता है, ठीक है। 600 रुपये जो एग्जाम की फीस है उसमें आप 50-60 मॉक टेस्ट खरीद सकते हैं। तो ये कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, मैंने इसके बाद स्टूडेंट से बात करी जब एग्जाम खत्म हुआ, लगभग 15-16 बंदों से मैंने बात करी, ठीक है। इससे मैं बता पाऊंगा आपको कि कितना कट ऑफ जाने का चांस है। ऊपर से मैंने पोल्स भी चेक करे हैं, ठीक है, पोल्स भी मैंने चेक करे हैं। लेकिन इन बातों में बढ़ने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा इस वीडियो के पार्टनर से, जो कि हैं गाइडली। जैसा कि आप जानते हैं कि मेंस एग्जाम्स आने वाले हैं आपके बहुत सारे, एंड मेंस एग्जाम्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो मुझसे काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रिपरेशन कैसे करें। तो गाइडली आपके लिए लेके आया है, जस्ट 149 रुपीज़ में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही सस्ता है। और लेटेस्ट टॉपिक्स मिलेंगे आपको, 30 सेट्स मिलेंगे लेटेस्ट टॉपिक्स के ऊपर। आपको सबमिट करने के बाद आप जो एक्सपर्ट्स ने एसे लेटर लिखे हैं उसको PDF फॉर्मेट में डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रामर की करेक्शन भी दी गई है। तो ये काफ़ी यूनिक सा कॉन्सेप्ट है जो गाइडली लेके आया है। अगर आप डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं एंड आपको समझ नहीं आ रहा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की तैयारी कैसे करेंगे, तो इस कोर्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही सस्ता कोर्स है, जस्ट 149 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। मेरा कोड यूज़ कीजिए SID SID, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ भी मिल जाएगा। तो इसके जो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। कमिंग बैक टू द वीडियो, देखो मैंने जितने ही बंदों से बात करी उसमें मिनिमम स्कोर 76 गया था एंड मैक्सिमम स्कोर 88 गया था। तो 76 से 88 के बीच में लोगों ने स्कोर किया है इजीली, एंड सब लोग यही कह रहे थे पेपर इजी है। एक लेडी थी जिन्होंने 62 करे थे, एक लेडी थी जिन्होंने 62 स्कोर किया था, लेकिन मैक्सिमम बंदों ने 76 से 88 के बीच में स्कोर किया था। अब जिन्होंने 62 किए थे उनका भी एक बार के लिए मैं कह सकता हूँ चांस है, क्योंकि कर्नाटका की कट ऑफ ही कम जाती है। कर्नाटका की लास्ट ईयर कट ऑफ 64 गई थी। अगर 100% एक्यूरेसी से करा होगा तो नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है आपका भी अंदर हो जाओ आप, लेकिन एक्यूरेसी मैटर्स, ओके। लेकिन बहुत सारे बंदों ने 76 से 88 के बीच में किए थे। अब नाउ ये तो एनिकडोटल एविडेंस हो गया कि 15-20 बंदों से बात करी। इसके अलावा मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के पोल्स भी चेक करे हैं, तो उसमें मैक्सिमम बंदों ने जो अटेम्प्ट्स किए हैं ना वो 70 से 90 के बीच किए हैं। तो कट ऑफ अगर आप समझ लो, अगर आपकी स्टेट में लास्ट टाइम जितनी गई थी उसके अगल बगल ही समझो, क्योंकि एग्ज़ाम लास्ट ईयर जैसा ही है जहाँ तक मुझको लगता है। मैंने 2-3 बच्चों से पूछे, लास्ट ईयर जैसा ही था। कुछ बंदे कह रहे थे ईजी है, कुछ बंदे कह रहे थे सेम है। तो लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जिस बंदों से मैंने पूछा मेरे को एनिकडोटल एविडेंस यही मिला है कि एग्ज़ाम काफ़ी हद तक सेम है। तो आप कट ऑफ भी लास्ट ईयर जैसी मान के चलो, और हो सकता है कभी कभी क्या होता है कट ऑफ ऊपर जाता ही जाता है, तो 4-5 नंबर उसमें जोड़ के ही चलो, कट ऑफ का हम यही कह सकते हैं। बाकी इस बात में ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है कट ऑफ में ये वो सो लास्ट ईयर एग्ज़ाम ऐसा था वैसा था, मुझे नहीं मालूम। मेरे को केवल जैसा बंदों ने बताया मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई, जैसा कि मैंने आपको बोला कि बहुत सी बेसिक मिस्टेक्स थी, बहुत ही ज़्यादा बेसिक मिस्टेक्स थी जो कि एग्ज़ाम को बनाने या बिगाड़ने का काम कर रही थी। तो यही मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। तो फाइनली SBI क्लर्क का जो इन्विजिलेशन सेशन है मेरे लिए वो तो ख़त्म हो चुका है। हमारे बेलगाम में 2 ही दिन होने था ये, तो मेरा हो गया। अब नेक्स्ट जो 2 सेशन होंगे उनको शायद मैं इन्विजिलेट नहीं करूँगा।
मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जितने भी लोग मुझे आज मिले, आज भी लगभग मेरे को 20 के करीब लोग मिले थे, मुझे बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके। एंड क्या बोलूँ मैं, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको लगता है कि आप बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए। स्पॉटलाइट में था तू गिरा दिया अपर्चर, चौंधा पड़ा आँख पे गई तेजी, उमर चल घूम गया लौंडा पूरा लाइफ का एक सर्कल। आई गो मैड लगा साइकोपैथ एंड दे लाइक।